सो दोस्तों, अगर आपके पास Realme C21 मोबाइल है और आपको नहीं पता है कि इसमें जो है फिंगरप्रिंट ऐप्स को लॉक कैसे करते हैं, यानी फिंगरप्रिंट ऐप लॉक कैसे लगाते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप फिंगरप्रिंट ऐप लॉक को सेट कर सकते हो। तो सिंपली इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना पड़ेगा और सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा नीचे जाना है और नीचे जाने पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा प्राइवेसी का। तो यहाँ पर आपको प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे दोस्तों तो आपको नीचे का ऑप्शन मिलेगा ऐप लॉक का, तो ऐप लॉक पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप ऐप लॉक पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपना पैटर्न डाल देना, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, तो यहाँ पर आपको पैटर्न डालना है जो भी आपका पैटर्न है। उसके बाद आपके पास इस तरीके से आ जाएंगे। अब यहाँ से आप देखिए कुछ ऐप्स जो है लॉक हो रहे हैं तो इनको आपको हटा देना है और लॉक नीचे लिखा हुआ इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि आप क्या फिंगरप्रिंट लगाना चाहते हो, तो अभी के लिए मैं यहाँ पर कैंसिल कर रहा हूँ, अभी मैं बताऊँगा किस तरीके से आप लगाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या है क्या करना है, यहाँ पर किसी भी ऐप को लॉक कर लेना है, उस पर टैप करके ऐप लॉक का ऑप्शन मिलता है तो उसको इनेबल कर देना है। उसके बाद आपको ऊपर यहाँ पर देखिए एक सेटिंग का आइकन दिख रहा है ऊपर, तो यहाँ पर आपको सेटिंग वाले आइकन पर क्लिक करना है। सेटिंग वाले आइकन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यूज फिंगरप्रिंट फॉर ऐप लॉक, तो ये वाले ऑप्शन को आपको इनेबल करना पड़ेगा। इस वाले ऑप्शन को जैसे आप इनेबल कर दोगे दोस्तों तो यहाँ पर आपका जो ऐप लॉक में फिंगरप्रिंट है वो सेट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से जो है अपने ऐप लॉक में फिंगरप्रिंट को ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।